हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष। और चलिए, हम जो हमेशा से दिखाते आए हैं कि पवन, अरुणिता या जितने भी लोग इंडियन आइडल के अभी तक आप देखते आए हैं, उनके लिए अगर आपके दिल में कोई ऐसी भावना है जिसके लिए मैं एक ज़रिया सा बन सकूँ छोटा सा, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मिलवाती हूँ आपको गायत्री से। गायत्री से मेरी बातचीत जो हुई वो इंस्टा के ज़रिए भी कनेक्टेड, एंड उन्होंने अपने फेवरेट अरुणिता और पवनदीप के लिए डिजिटल आर्ट बनाया है। तो पहले तो अप्रिशिएट कर लूँ कि बहुत सुंदर बनाया है ये आर्ट। तो अब आपको दिखाती हूँ कि वो आर्ट की मेकिंग कैसे हुई और वो कैसे बनकर आपके सामने आ रहा है, और जानिए खुद गायत्री से वो क्या कहना चाहती हैं। हाय, दिस इज गायत्री एंड टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट यू ऑल माय टू डिजिटल आर्ट वर्क्स ऑफ द टू लवेबल कंटेस्टेंट्स ऑफ इंडियन आइडल 12, अरुणिता एंड पवनदीप। व्हाई आई लाइक देम, their consistency, their versatility, and above all the melody in their voice. ऐसी मधुर आवाज़ है जो शायद आजकल कम सुनने मिलती है, तो ऐसी मधुर आवाज़ से प्यार कैसे ना हो जाए। How much time it took me to complete the work? For Arunita's sketch, it took me 2 days to complete, and for Pavandeep's sketch, it took me 1 complete day. पवन या अरुणिता ही क्यों, आपके और भी कई फेवरेट्स हो सकते हैं। आपने हो सकता है कोई कविता लिखी हो, आपने हो सकता है उनके लिए कोई गाना लिखा हो, या फिर कुछ अलग से ऐसा करने की कोशिश की है, तो प्लीज़ शेयर इट विद मी। मैं इंस्टा पर भी हूँ, यूट्यूब पर भी हूँ, FB पर भी हूँ, और आप चाहें तो आप अपना जो डिटेल्स हैं वो मुझे मेरे मेल ID पर भेज दीजिए। आई विल कॉन्टैक्ट यू। शायद एक छोटा सा ज़रिया बन जाऊँ आपके फेवरेट के सामने आपका काम लाने के लिए। लिखिएगा ज़रूर। जय हिंद।